तुम भी अपने आगे के प्लान्स बता दो जनक, ताकि हम सब प्रिपेयर्ड रहे। वो क्या है ना, रोज रोज के शॉक्स हैंडल करना हम सबके लिए मुश्किल हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुश्किल तो मेरे लिए भी हो रहा है अर्शी दीदी, यहां रहना। घुटन होती है मुझे इस माहौल में रहने से। ये बात आपको समझनी चाहिए। आपके होने वाले पति मुझे यहां लेकर आए हैं और उन्हीं की वजह से मैं वापस नहीं जा पा रही हूं। आपकी सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूं। और झनक ऐसी लड़की नहीं है जो दूसरों के मंगेतर पे डोरे डाले। आपकी इनसिक्योरिटीज आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आपको जो पूछना है सरजी से पूछिए ना, लेकिन आइंदा से मेरा और सरजी का नाम एक साथ मत जोड़िएगा। क्योंकि मुझे सरजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनक ये रखो। ये क्या है? सृष्टि आंटी और अर्शी तुमसे तुम्हारे हस्बैंड का नंबर मांगेगी, तब ये दे देना। बस इसीलिए तो हमेशा हमेशा के लिए जाना चाहती थी ना। अब ये किसका नंबर है? आपका ही कोई दूसरा नंबर होगा ना। फिर से सबके सामने नाटक करने का इरादा है तो और क्या करूं? और कोई रास्ता दिख रहा है क्या तुम्हें? झनक बस थोड़े दिन और, एक बार तेजस का खतरा टल जाए ना, फिर सब सेटल हो जाएगा। वो फोन करेंगी ना तो कॉल उठाने वाला कोई नहीं होगा। फोन उठेगा झनक। और एक बात, मैं घर में सबको बताने वाला हूँ कि तुम मेरे ऑफिस के प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हो। मैं नहीं जाऊंगी। तुम चलोगी। कोई जबरदस्ती है क्या? तुम नहीं मानोगी तो हाँ जबरदस्ती है। ये हक से आपका कोई हक नहीं है मुझ पर। झनक हक तो है मेरा। अपनी जान को दांव पर लगाकर मैंने तुम्हारी जान बचाई है, 1% ही सही, पर हक तो है मेरा। पर मेरा क्या? मैं जो चाहती हूँ उसका क्या? तेजस के साथ जा रही थी तुम, देख लिया मैंने तुम क्या चाहती हो। उस दिन छोटू नहीं होता ना तुम सिर्फ मेरी सुनोगी, सिर्फ मेरी, क्योंकि क्लियरली झनक तुम खुद अपना भला नहीं जानती हो। ये रखो, जैसा मैंने कहा याद रखना और वैसा ही करना।